बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भेज रहे हैं, जिसमें हमने क्लास सिक्स की मैथमेटिक्स को शुरू किया है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है यूनिट नंबर 2, जो मेरे पास है होल नंबर्स, जिसमें हमने होल नंबर्स में लेस दैन, ग्रेटर दैन और नंबर लाइन के बारे में सीखा है। अब हम इसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4, तो इसके मज़ीद हम सवाल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो कि हमारे पास है 1000, क्योंकि 1000 से आगे जो है वो बड़े नंबर हो जाएंगे 4 डिजिट्स, और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो है हमारे पास है 99, क्योंकि 99 के बाद हो जाएगा 100, जो कि 3 डिजिट में चला जाएगा। अब हमने इनकी करनी है फाइंड प्रोडक्ट, तो मतलब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने का सेम प्रोसीजर है जैसे हम करते हैं, पहले 9 को इन चारों डिजिट से हम करेंगे मल्टीप्लाई, देन फर्स्ट जो डिजिट है उसके नीचे हम लगाएंगे क्रॉस का साइन, और उससे आगे हम अगेन उनको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, और फिर नीचे हम इनको कर लेंगे ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमें कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। अब इसका क्या प्रोसीजर होगा हमारे पास? सबसे पहले हमने लिखा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो हमारे पास है 100। हमने 100 को 16 से किया डिवाइड, 16 6 96, 100 में से 96 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जिससे हमने डिवाइड किया और जो रिमाइंडर बचा, हमने उन दोनों को किया माइनस, तो हमारे पास आ गया 12। ठीक है, मतलब 12 ही बचा है जो हमें चाहिए था, तो 100 में हमने ऐड कर दिया 12, तो हमारे पास आ गया 112। अब 112 ऐसा नंबर है जो कि 16 जिसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो ये आपने इसको इस तरह से सोल्व कर लेना है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम इसी मेथड से है, उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, आपने खुद इसको सोल्व करना है। स्टे होम, स्टे सेफ।